तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल 4 के एग्जांपल को, जहां पर हम देखेंगे कि जब इंडिविजुअल शेयर्स में चेंज होता है तो किस प्रकार से हम रेशियो को चेंज करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अमित, सुमित एंड विनित डिवाइड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,800 अमंगस्ट देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 5:6:3 रेस्पेक्टिवली। If an amount of rupees 200 is added to each of their shares, what will be the new ratio of their shares of the amount? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अमित, सुमित और विनित ने 2,800 रुपीज के अमाउंट को अपने बीच में डिवाइड किया है और रेशियो है 5:6:3 respectively. So हम कह सकते हैं कि अमित is to सुमित is to विनित will be 5:6:3. So इस रेशियो के अनुसार हमें टोटल अमाउंट 2,800 रुपीज को डिवाइड करना है। देन क्वेश्चन में ये है कि इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 200 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर्स, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर शेयर्स ऑफ द अमाउंट, राइट। तो अब हम जब 200 रुपीज इनके इंडिविजुअल शेयर्स में ऐड करते हैं तो नया रेशियो क्या होगा, राइट। ये जो 5:6:3 का रेशियो है ओरिजिनल रेशियो जहां पर हमने 2,800 रुपीज को डिवाइड किया है। इस 2,800 को डिवाइड करने के बाद हम ईच पर्सन के शेयर में 200 रुपीज को ऐड कर रहे हैं, तो उस 200 रुपीज के एडिशन के बाद नया शेयर कितना होगा, नया रेशियो कितना होगा। पॉइंट हमें यहां पर यह ध्यान में रखना है कि क्योंकि हम तीनों के अमाउंट में 200 रुपीज को ऐड कर रहे हैं, यानी इक्वल अमाउंट ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि रेशियो सेम रहेगा, राइट। जैसे ओरिजिनल रेशियो है 5:6:3 और क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों के अमाउंट को हम 200 रुपीज से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेशियो सेम रहेगा। रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा, जब भी हम इंडिविजुअल शेयर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं रेशियो डेफिनेटली चेंज होगा। अब वो रेशियो कितना चेंज होगा या कैसे चेंज होगा डिपेंड करता है दिए गए टोटल अमाउंट पर और दिए गए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट है 2,800 रुपीज, राइट। सो टोटल 2,800 को हम पहले दिए गए रेशियो 5:6:3 में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो अमित का शेयर कितना होगा, अमित का शेयर होगा 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5+6 11+3 14, 5 out of 14 into 2,800, और सुमित का शेयर होगा 6 out of 14 into 2,800, और विनीत का शेयर होगा 3 out of 14 into 2,800. सो 2,800 by 14 है 200, 200 into 5 1000 रुपीज हो गया अमित का शेयर, और 200 इंटू 6 हो गया 1200 रुपीज जो कि है सुमित का शेयर, और फाइनली विनीत का शेयर होगा 600 रुपीज, राइट। सो 1000 प्लस 1200 प्लस 600 होगा 2800, यानी टोटल अमाउंट बैलेंस हो गया है। अब और एक और पॉइंट यहां पर यह समझना है कि बिना इस स्टेप को लिखे हुए हम कैसे इंडिविजुअल शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करते समझ लेते हैं। 5+6+3 है टोटल 14 पार्ट्स, राइट। 5+6 11 11+3 14 पार्ट्स, टोटल अमाउंट है 2,800 रुपीज। सो पहले हम ईच पार्ट की वैल्यू कितनी है वो पता कर लेते हैं, यानी 2,800 को हमने 14 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ईच पार्ट होगा 2,800 बाई 14 यानी 200 रुपीज, राइट। सो एक पार्ट की वैल्यू है 200 रुपीज। अब अमित के पास है 5 पार्ट्स, सो 5 पार्ट्स की वैल्यू होगी 5 into 200 1000 रुपीज। सुमित के पास है 6 पार्ट्स, एक पार्ट की वैल्यू है 200 रुपीज, राइट। x एक पार्ट हम मान लेते हैं x है, x की वैल्यू है 200, सो 6x की वैल्यू कितनी होगी 1200 रुपीज। लाइकवाइज सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एक पार्ट ईच पार्ट की वैल्यू है 200, थ्री पार्ट की वैल्यू होगी 600। सो हमें हर बार ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम रेशियो और टोटल अमाउंट से पहले ईच पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इंडिविजुअल शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल शेयर्स आने के बाद हमें दिया गया है कि ईच पर्सन के शेयर में हम 200 रुपीज को ऐड कर रहे हैं, राइट। सो हम देखते हैं कि नया शेयर कितना होगा, राइट। अमित का नया शेयर ए डैश ले लेते हैं, ओरिजिनल शेयर था 1000 रुपीज, इसमें हमने ऐड किए 200 रुपीज, सो 1000 प्लस 200 हो गया 1200 रुपीज, ये है अमित का नया शेयर। वैसे ही सुमित का नया शेयर होगा 1200 रुपीज प्लस 200 रुपीज जो कि है 1400 रुपीज। इस स्टेप को आप अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्टली हम डायरेक्टली नए शेयर्स को लिख सकते हैं बिना ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे हुए, तो एग्जाम में अवॉइड कीजिएगा। विनीत का शेयर हो गया 600 प्लस 200 जो कि हम जानते हैं होगा 800 रुपीज। तो ये है अमित, सुमित और विनीत के नए शेयर 1200, 1400 और 800, और हमें पता करना है नया रेशियो, राइट। नया रेशियो कितना है, सो इंडिविजुअल वैल्यूज दी गई हैं और नया रेशियो कैलकुलेट करना है, सिंपल है। ए डैश इज टू एस डैश इज टू बी डैश हो जाएगा 1200 इज टू 1400 इज टू 800। So, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 200 into 6 times, 200 into 7 times और 200 into 4 times.
सो 6:7:4 इसे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. सो फाइनल आंसर होगा 6:7:4 यानी अमित सुमित और विनीत का नया जो रेशियो है 200 रुपीज एड करने के बाद वो होगा 6:7:4. ये है हमारा फाइनल आंसर. सो इस प्रकार से हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, देख रहे हैं काफी लेंदी है. आप स्टेप्स रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम स्मार्ट तरीके से और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं कि स्मार्ट मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. जैसे हमने पता किया था 5:6:3 टोटल है 14 पार्ट्स और टोटल अमाउंट है 2800 रुपीज यानी ईच पार्ट की वैल्यू है 200 रुपीज राइट. हमें पता है कि ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 200 रुपीज. अब अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दे, दिया गया है कि टोटल जो ईच पर्सन का शेयर है उसे हम 200 रुपीज से इंक्रीज कर रहे हैं राइट. एन अमाउंट ऑफ 200 इज एडेड टू ईच ऑफ देयर शेयर्स यानी ईच पर्सन का जो शेयर है उसे हम 200 रुपीज इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें हम 200 रुपीज एड कर रहे हैं. दिए गए रेशियो और टोटल अमाउंट के अनुसार ईच पार्ट है 200 रुपीज. अब अगर ध्यान दें जो शेयर हम ऐड कर रहे हैं, जो अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं ईच पर्सन के शेयर में, वो भी है 200 रुपीस जो कि इक्वल टू ईच पार्ट है राइट. ये इक्वल टू वन पार्ट हो गया राइट. ईच पार्ट हम कह सकते हैं वन पार्ट यानी जो अमाउंट ऐड किया जा रहा है ईच पर्सन के शेयर में वो है एक पार्ट राइट, इक्वल टू वन पार्ट. सो इंस्टेड ऑफ ये इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस लेंथी प्रोसीजर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ओरिजिनल रेशियो 5:6:3 हम तीनों के शेयर्स में एक एक पार्ट ऐड कर रहे हैं, 200 रुपीज ऐड कर रहे हैं जो कि वन पार्ट है. यहां पर भी 200 रुपीज ऐड कर रहे हैं, अगेन वन पार्ट, और यहां पर 200 रुपीज ऐड कर रहे हैं वन पार्ट. सो 5:6:3 नया रेशियो हो जाएगा a'(s')(v'), हम डायरेक्टली कह सकते हैं 5+1 पार्ट 6, 6+1 पार्ट 7 और 3+1 पार्ट यानी 4, 6:7:4 राइट. सो बिना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किए हुए हम देख रहे हैं फाइनल आंसर 6:7:4 है, हमें वही आंसर आ गया लेकिन हमने इंडिविजुअल शेयर्स कैलकुलेट नहीं किए और न्यू शेयर्स कैलकुलेट करके फिर उसमें से रेशियो नहीं निकाला. डायरेक्टली हम कह रहे हैं कि ईच पार्ट की वैल्यू 200 रुपीज है और क्योंकि हमने ईच पर्सन के शेयर में 200 रुपीज ऐड किए हैं, हम कह सकते हैं कि सबका शेयर एक पार्ट से इंक्रीज हो जाएगा. सो 5:6:3 बन जाएगा 6:7:4. मान लें कि अगर क्वेश्चन में दिया गया है 400 रुपीज ऐड कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे. 400 रुपीज हमें पता है ईच पार्ट की वैल्यू 200 रुपीज है और क्योंकि हम यहां पर 400 रुपीज ऐड कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम दो पार्ट्स ऐड कर रहे हैं राइट. वन पार्ट 200 तो टू पार्ट्स की वैल्यू हो जाएगी 400. तो उस बार हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ईच यहां पर रेशियो को हम टू टू पार्ट से इंक्रीज करेंगे. सो 5+2 7, 6+2 8, 3+2 5. सो हम कह सकते हैं 7:8:5 हो जाएगा फाइनल आंसर जब हम 400 रुपीज ऐड करें. इसी प्रकार से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना तो हम माइनस करेंगे राइट. फॉर एग्जांपल 200 रुपीज मान लें हम ईच पर्सन के शेयर से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वन पार्ट रिड्यूस कर रहे हैं. सो 5-1, 6-1, 3-1 सो बन जाएगा 4:5:2 राइट. तो जैसे कि आपने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बिना इंडिविजुअल शेयर कैलकुलेट किए डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन एक पॉइंट यहां पर ध्यान में हमें ये रखना है कि इस क्वेश्चन में हमने ईच पर्सन के शेयर को 200 रुपीस से इंक्रीज किया था यानी सभी का इंक्रीमेंट इक्वल है. लेकिन अगर इंक्रीमेंट इक्वल ना हो, मान ले हमने अमित के शेयर को 200 रुपीस से इंक्रीज किया है, सुमित के शेयर को 350 रुपीस से इंक्रीज किया है और विनीत के शेयर को 650 रुपीस से इंक्रीज किया हो, उस केस में हमें ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा यानी फर्स्ट हम इंडिविजुअल शेयर्स कैलकुलेट करेंगे दिए गए टोटल अमाउंट और रेशियो के अनुसार और फिर जो इंक्रीमेंट्स दिए गए उन्हें यहां पर ऐड करके न्यू वैल्यूज पता कर लें और फिर उसमें से नया रेशियो निकाल लें. लेकिन अगर इंक्रीमेंट सेम हो तो इजीली हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं जैसे हमने इस मेथड में देखा.